देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वेब सीरीज होती है ना वो रियलिस्टिक पर बेस होती है, मतलब एज इट इज जो भाई चल रहा है वो दिखाना पड़ता है आपको, चाहे आपके हीरोइक कैरेक्टर या फिर हीरो कितने ही सुपर फैंटास्टिक या फार क्यों ना हो, भाई सामने जब विलेन होता है ना एक बार के लिए उनकी लेके रखता है और यही चीज वेब सीरीज खोल के दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन भाई आप रोहित शेट्टी हैं, आप कहाँ मानेंगे, आप फिल्मी दुनिया से कहाँ ही बाहर निकलेंगे। भाई रोहित शेट्टी आप अगर फिल्मी दुनिया से बाहर निकल जाते तो वेब सीरीज में जो इंडियन पुलिस फोर्स है या आपकी वेब सीरीज जो रिलीज हो चुकी है थोड़ा सा तड़का मसाला देखने को मिल जाता। लेकिन भाई देखा जाए तो वेब सीरीज उतनी ज़्यादा दमदार भी नहीं है, उतनी ज़्यादा वैसी भी नहीं है, एक लाइन में कहें तो एवरेज है। भाई इसी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं कि इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज आ चुकी है, रोहित शेट्टी का डेब्यूशन भाई OTT प्लेटफॉर्म पर पहला डेब्यूशन है और वेब सीरीज की दुनिया में भी पहला डेब्यूशन है, तो ये कैसी कितनी खरी उतर रही है भाई जनता की नज़र में या व्यूअर्स की नज़र में, क्योंकि अभी तक हम बहुत सी वेब सीरीज ऐसी देख कर आ चुके हैं जो अब हमें बहुत सी चीज़ें पकड़ में आने लगती हैं, तो इसी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, अगर भाई रेगुलर व्यूअर्स हो तो यार एक लाइक तो बनता है, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे जाकर जब आपको एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। देखो भाई यहाँ तक आते आते हमने बहुत सी ऐसी वेब सीरीज देख चुके हैं, लाइक डेली क्राइम देख चुके हैं, मिर्जापुर देख चुके हैं, सेक्रेट गेम्स देख चुके हैं, और भी ऐसी हैं जो भाई बहुत से छोटे से बजट में बनाई जाती है। लेकिन भाई इंडियन पुलिस फोर्स जिस बजट में इस मूवी को बनाया गया है, वेब सीरीज को बनाया गया है, जहाँ पर कास्ट के मामले में अगर हम देखें तो भाई दमदार कास्ट है। विवेक ओबेरॉय हैं, आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा जो मेन लीड पर है, भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा से कोई शिकायत नहीं है। शिल्पा शेट्टी भाई, भाभी शिल्पा शेट्टी, उनके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। देन उसके बाद जब डायरेक्टर का नाम रोहित शेट्टी आपसे जुड़ जाए तो भाई और मजा आ जाता है और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। लेकिन जब ये पूरा मामला जब सामने आता है और मामला जब एवरेज होते नजर आता है तो भाई फिर मजा नहीं आता है। तो भाई अब इतनी सारी फाड़ वेब सीरीज देखने के बाद हमें अब छोटी छोटी चीज़ें पकड़ में आने लग जाती है कि क्या भाई रियलिस्टिक है, क्या कैसा सीन है, क्या आपका विलेन का लेवल होना चाहिए, क्या आपका हीरोइक कैरेक्टर का लेवल होना चाहिए, और जब वो सामने आते तो वो कॉम्बो कैसे सेट होना चाहिए। तो ये भाई जब पकड़ में आ जाए जनता के तो फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि सीरीज से एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि फिर वाओ वाला मोमेंट अगर निकल जाए कि यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो अनप्रिडिक्टेबल था, देन उसके बाद भाई मज़ा आना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर ना कहानी अनप्रिडिक्टेबल नहीं, प्रिडिक्टेबल होते नज़र आ रही थी बहुत सी जगह पर पूरी वेब सीरीज में। विदाउट स्पॉइलर भाई रिव्यू दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको देखने का मन है तो इसके बाद तय कर लेना बने देखना है या नहीं देखना है। बट बात अगर सिर्फ एक्शन की करें, भाई रोहित शेट्टी बाप है इस लेवल में, ये अपने फील्ड का माहिर खिलाड़ी है कि एक्शन में भाई इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। चाहे आप वो कार चेजिंग वाला सीन ले लो, चाहे आप सिंगल कॉम्बेट फाइट हैंड टू हैंड फाइट जो भी होता है वो ले लो, क्योंकि शिल्पा शेट्टी से भाई हैंड टू हैंड कॉम्बेट करा लिया, बाकी तो कर ही रहे हैं, तो सोच ही सकती होगी भाई कितनी दमदार एक्शन के मामले में क्या दमदार फाड़ आ सकता है। दूसरा गन शॉट्स के मामले में ले लो तो भाई वहाँ पर भी दमदार है। लेकिन भाई एक्टिंग के मामले में कहें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ही अपने कंधे पर एक्टिंग का बोझ लाद के पूरा सीरीज में साथ देता नजर आया है। 7 एपिसोड्स में वेब सीरीज को पूरी खत्म कराया गया है और पर एपिसोड की लेंथ कोई 30 मिनट 35 मिनट या फिर 40 मिनट के आसपास है, मतलब इसी की 35-36 ऐसे ही घूमती रहती, यही मिनट है, यही लेंथ है सारे एपिसोड्स की। देन VFX की बात करें तो भाई VFX में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पकड़ते नजर आए हैं, क्योंकि वो 4 बॉम्ब जो फूटते हैं वो इतना रियलिस्टिक नहीं देखे जाते हैं, वो एक बार के लिए सीधा पकड़ में आता है कि भाई आर्टिफिशियल है, कि सिंपल विजुअल इफेक्ट है, नथिंग एल्स। एंड रियलिस्टिक पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि रियलिस्टिक पर उतना अच्छा काम करते नजर नहीं आएंगे भाई ये काम। दूसरा जो भी हीरोइक कैरेक्टर हैं भाई, आपके हीरो क्या मतलब भगवान जैसा क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई अगर दैनिक क्राइम से मैं कंपेयर कर लूँ तो वहाँ जब विलेन आए थे सामने भाई फाड़ के रखते हैं, एक बार जो भी वहाँ पर पुलिस थी उनकी आफत आ चुकी थी, यहाँ तक आफत आ गई थी कि भाई इसको पकड़े तो पकड़े कैसे, क्योंकि वो हर बार बीट डाउन कर रहा था हर मोमेंट पर। लेकिन यहाँ पर भाई हलवा जैसे हलवा पका है, आप कटोरी लेके गए रख दो और मिल गया, और वही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि भाई थोड़ी सी लीड मिली गए और सीधा पकड़ के ले आए, व्हाट इज दिस, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड है और ऐसे बड़े बड़े क्राइम कर चुका है यार, तो उससे क्या पता नहीं होगा क्या, मतलब आपके हीरोइक कैरेक्टर्स के सामने वो बिल्कुल फुद्दू सा नजर आया जो कॉम्बो बैठता नजर नहीं आया है। तो एक बार के लिए गए तो भाई साहब ये थोड़ी सी एक आध चीज़ें अटपटी लगी। देन बहुत सी जगह पर काम हो सकता था, प्लॉटिंग जिस हिसाब से करी थी, स्टोरी की प्लॉटिंग जिस हिसाब से करनी चाहिए थी वैसी नहीं करी है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा और सुधार हो सकता था। लेकिन
ऐसा भी नहीं है कि वेब सीरीज पूरी कतई खराब है, कतई बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत दमदार भी नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है, एवरेज है, बिल्कुल वन टाइम वॉचेबल है। अगर आपने बहुत सी वेब सीरीज देखी है तो भाई आपको लॉजिक और दिमाग को एक साइड रख कर इसे देखना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। लेकिन आप न्यू है, वेब सीरीज का शौक रखते हैं, तो आपको फुल मजा आने वाला है। दैट्स माई रिव्यू। और यहाँ तक भाई साहब अगर आप पहुँच गए हैं तो एक लाइक भी कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे अगली वीडियो पर।